चैनल ग्लैम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हैप्पी रक्षाबंधन, आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप भी मतलब सुबह के 7 बज रहे हैं, मैं जा रही हूँ नीचे खाना बनाने। और खाना में क्या बनेगा मुझे अभी कुछ आइडिया नहीं, क्योंकि सेलिब्रेशन जैसा कुछ है नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं लग रहा है कि कोई फेस्टिवल है। और हमारे मतलब मायके साइड में तो फिर भी बुआ लोग सब लोग हो सकता है मे बी जाएंगी तो अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं है। मेरी सिस्टर इन लॉ भी नहीं आई है, तो मौसी की लड़की है वो इन लोग को राखी बांधेंगी, और तो कुछ है ही नहीं। मुझे तो किसी के राखी नहीं बांधना है, बस ऐसे ही चुपचाप देखती रहूँगी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, रेडी होना तो मेरा अधिकार है, मैं राखी बांधूँ या ना बांधूँ रेडी हो जाती हूँ। तो ये देखो, और बैकग्राउंड से ये मुझे चिढ़ा रहे हैं पीछे से, क्योंकि मैं जब ना नई नई साड़ी पहनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये साड़ी मुझे पसंद भी काफ़ी ज़्यादा है। मैंने आप लोगों को दिखाई थी ना, मैं लेकर के आई थी अब भी अरतर्रा से, तो फुल लुक मैं इसका आप लोग को बाद में दिखा दूँगी। कुछ इस तरीके से है, पूरी सिंपल ही है, तो ठीक है बाद में मैं आप लोग को दिखा दूँगी। और देखो हमारा सामान ऐसे अभी पड़ा हुआ है, क्योंकि इनको जाना भी है कल, मतलब टुमारो में जाना है इनको, बहुत सुबह सुबह जाना है। और क्या बोलूँ, और तो कुछ बोलने को है नहीं, तो मुझे कल भी सुबह बहुत जल्दी जल्दी उठ करके इनके लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। और बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में चल रही हैं, तो धीरे 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 आप लोग को पता चलेगा। अभी नहीं बताऊँगी, लेकिन आगे आगे जैसे जैसे वीडियो आएंगे ना, तो आप लोग को सब कुछ पता चल ही रहेगा। अभी बहुत कुछ उथल पुथल चल रहा है हमारी लाइफ में, तो ठीक है कोई नहीं। अभी मैं नीचे जाती हूँ, खाना बनाती हूँ, इसके बाद फिर आप लोगों से बातें करूँगी। वैसे भी आज तो मतलब खाना बन जाएगा ना, तो फिर पूरा दिन मैं फ्री रहने वाली हूँ, तो वो सारी आप लोग से बातें करूँगी। और रेडी मैं मतलब मैंने लिपस्टिक तो लगा लिया है, और कुछ भी रेडी नहीं हुई हूँ। तो मन करेगा तो थोड़ी देर बाद जब मैं खाना बना करके आऊँगी ना, तो और अच्छे से रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि यही सारी छोटी छोटी चीज़ें होती ना जो आपको खुशी देती हैं। तो मैं सोचा चलो मैं रक्षाबंधन नहीं मना पाऊंगी, राखी नहीं बांध पाऊंगी तो क्या हुआ, मायके नहीं जा पाई तो क्या हुआ, सच तो सकती हूँ, थोड़े बहुत खुशी तो अपने हिस्से की ले ही सकती हूँ। और देखो सामान है, तो मैंने ग्रीन चूड़ियाँ ही डाली हुई हैं, और मुझे ना बहुत कम अच्छा लगता है कि जिस कलर की साड़ी हो उसी कलर की चूड़ियाँ पहनो, ऐसा मुझे बहुत कम लगता है। मुझे लग करता है ना थोड़ा सा जैसे होते ना अब जस्ट अपोजिट कॉम्बिनेशन मिला करके, तो साड़ी अगर दूसरे कलर की है तो चूड़ियाँ एकदम दूसरे कलर की, तो ज़्यादा खिल करके चूड़ियाँ आती हैं। तो चलो अभी मैं नीचे जाऊँगी और खाना बनाऊँगी, इसके बाद फिर आप लोग से बात करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। तो अभी मैं जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ, इसके बाद फिर आराम से फ्री हो जाएंगे ना, तो मज़ा भी आएगी, अच्छा लगेगा राखी सेलिब्रेट करने में। तो खाना बहुत सिंपल सा बनाना है, आलू और कद्दू की सब्जी और पूड़ी, क्योंकि कुछ पता है ना बाहर का भी कुछ मंगाना नहीं है सामान, और इस टाइम पे कुंडा भी ना बहुत ज़्यादा कोरोना वाले केस आ गए हैं, तो और ज़्यादा सब लोग ना डर गए हैं, तो बाहर की चीज़ें ना बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं। और मिठाई भी इसी वजह से घर में नहीं आई है, वही जो सोहन पापड़ी वाला डिब्बा आता है ना, तो वही आ गया था। तो बस अभी मैं सब्जी बना लूंगी, इसके बाद हम लोग तुरंत फटाफट पूड़ी बना लेंगे, फिर इसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगी राखी सेलिब्रेशन। तो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, और अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, क्योंकि पहले सुबह से हम लोग को नहीं पता था कि 1:30 बजे से मुहूर्त है। मुझे लग रहा है 2 शिफ्ट में था, एक बार सुबह का निकल गया है और अभी हम लोग दूसरे शिफ्ट में
हम लोग नहीं, मतलब ये लोग की पूजा होगी, मुझे तो कुछ भी नहीं करना, बस चुपचाप देखते ही रहना है। मैं और चाची हम दोनों लोग चुपचाप देखेंगे, और इन लोग का कार्यक्रम अभी स्टार्ट होने वाला है, तो मैं आप लोग को भी दिखाऊंगी क्योंकि आप लोग को काफी अच्छा लगेगा देख करके। और ये देखो राजा बाबू रेडी हो गए हैं, कर लो। Hello. देखो स्पेशली इन्होंने ना वीडियो में आने के लिए ब्लैक कलर की शर्ट पहनी है। मुझसे 10 बार पूछे हैं मैं कौन सी पहनूं क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसे आ रहे हैं ना फ्रंट में, मतलब वीडियो में, तो बहुत एक्साइटेड थे कि मैं कौन सा नया कपड़ा पहनूं। बर्थडे के लिए लिए थे क्या ये वाली शर्ट? नहीं, इनका 10 अगस्त को बर्थडे भी है ना, एडवांस में सब लोग विश कर देना, फिर मैं स्क्रीन शॉट लेकर के इनको भेजूंगी, ठीक है? जरूर जरूर जरूर। चलो फिर इनको इंतजार रहेगा। तो हमारा रक्षाबंधन सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया है, और सबसे पहले बड़े भैया की पुजाई हो रही है, पुजाई नहीं मतलब पूजा हो रही है। तो आज के दिन ही तो भाइयों को मौका मिलता है ना पूजा करवाने का, वरना तो वैसे तो हमेशा मार ही खाते हैं बहनों से, लेकिन आज रक्षाबंधन कैसा दिन होता है ना, जहाँ पे बहनें खूब खुशामद करती है भाइयों की, आरती भी उतारती हैं, मिठाई भी खिलाती हैं। वैसे तो पूरे साल मतलब पता ही है बहन भाई का कैसा रिलेशन होता है, ये मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो आप लोग देखो और इन्जॉय करो, और मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी ये लोग को देख देख करके, मुझे मज़ा आ रही थी, और अभी थोड़ा बिटर फील कर रही थी। सुबह से तो बहुत दुख था कि यार बताओ मैं नहीं जा पाई, सब लोग गए मैं नहीं जा पाई, लेकिन यहाँ का सब देख करके ना सेलिब्रेशन जब होने लगा तो फिर अच्छा लग रहा था। मैं भूल गई थी अतर्रा वाला, तो बस अभी इनका टीका हो जाएगा, इसके बाद फिर अपू भैया का होगा। तो ये देखो अभी ये भी विराजमान हो गए हैं, तो अब की पूजा होगी, फिर इसके बाद पूजा क्या मतलब राखी बांधी जाएगी, लेकिन आप पूजा ही समझ सकते हो। आज के दिन ना मतलब भाइयों को ना भगवान की तरह ही नवाजा जाता है, पूजा ही समझ सकते हो। तो अभी इनकी पूजा होगी, इसके बाद फिर मेरा भी नंबर आएगा, तो चलो आप लोग देखो और इन्जॉय करो। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि बाद में बोलती हूँ ना तो आप लोग भूल जाते हो लाइक करना, इसलिए बीच में ही बोले दे रही हूँ, और कोशिश किया करूँगी कि पहले ही बोल दूं, वरना आप लोग ना बहुत भुलक्कड़ हो, मतलब ना लाइक करने वाले भूल जाते हैं, डिसलाइक करने वाले नहीं भूलते हैं। तो चलो ठीक है, देखो और एंजॉय करो। और देखो राखी बंधवाने में इतनी मस्त हो गई ना कि मैं साड़ी का पल्ला ही उल्टा ले रखी हूँ, ध्यान भी नहीं मैं दी। और चाची को देखो फ़ोन लेकर के खड़ी हैं, वो स्वाति दी वीडियो कॉल से ना सब कुछ देख रही हैं कि कैसे नेहा राखी बांध रही है सबको, बेचारी खुद तो आ नहीं पाई, और मैं भी तो बेचारी हूँ यार, मैं भी तो नहीं जा पाई इस बार, बहुत सारी लड़कियाँ मायके की जगह ससुराल में ही रह गई हैं। और अगर वो आती तो मैं ज़रूर आप लोग से मिलवाती, पूछते रहते हो ना कि आपकी नंद नहीं दिखती हैं, तो अगर होती तो ज़रूर मिलवाती। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो हमें लगी है जोरों की भूख, तो मैं बना रही हूँ पास्ता, और सुबह पूड़ी सब्जी खाए थे ना टाइम से खा लिए थे, तो फिर अभी 4:30 बज रहा है और भूख लगाई है, तो बस पास्ता बनाऊंगी खाएंगे, और फिर इसके बाद रात में खाना तो पूरा बनेगा ही। और हो गया रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन, वैसे भी इस बार तो कोरोना है, बट जब नहीं भी कोरोना रहता तो रक्षाबंधन ऐसा फेस्टिवल है ना जो घंटे दो घंटे में ही ख़त्म हो जाता है, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है। तो बस अभी देख सकते हो आप लोग मेरी प्याज पक गई है, और मैंने टमाटर भी डाल दिया, ये देखो टमाटर भी पक गया है, तो अभी मैं इसमें डाल दूंगी जो नूडल्स और पास्ता मैक्रोनी सबका एक साथ कॉम्बिनेशन वाला मसाला आता है ना, उसको डाल दी हूँ, और इसके बाद मैं पास्ता डाल दूंगी और अच्छे से सबको चला दूंगी और पका लूंगी थोड़ी देर तक, क्योंकि जो थोड़ा बहुत पानी पानी टाइप का दिख रहा है ना ये भी सूख जाएगा। और चलो ये देखो मेरा पास्ता बन करके रेडी हो गया है। अभी रात के 10 बज रहे हैं और मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ऊपर आई हूँ, तो मैंने फेस वॉश भी कर लिया है, और अभी मैं
थोड़ी देर फोन ऑन चलाऊंगी, इसके बाद सो जाऊंगी क्योंकि सुबह मुझे बहुत जल्दी उठना है, इनको निकलना है, तो मुझे खाना भी बनाना होगा और नाश्ता भी बनाना होगा, खाना भी बनाना होगा, इनकी तैयारी भी करना होगा क्योंकि इनका भी सफ़र काफ़ी लंबा है, 10-12 घंटे का है। तो इस वजह से मुझे देखो सुबह 5 बजे या 4 बजे ही उठना पड़ेगा क्योंकि इनको भी 6, 6:30 बजे या 7 बजे मतलब हर हाल में घर से निकल लेंगे। तो कल तो सुबह सुबह मतलब ना और सब कुछ जल्दी होने वाला है, तो मैं अभी सो जाऊंगी। और वैसे भी ना आदत इतनी गंदी हो गई ना कि नींद ही नहीं आती, आप कितनी भी कोशिश करो 11 बजे से पहले तो बिल्कुल नहीं नींद आने वाली है। तो लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं अभी सो जाऊँ जल्दी क्योंकि सुबह मुझे उठना भी होगा। और आज मैं दोपहर में भी नहीं सो पाई हूँ, ऐसे पकड़े रहो ना यार, तो फ़ोन बहुत दर्द करने लगता है और मेरा ट्राईपॉड भी काफ़ी हद तक मरी हुई हालत में हो गया है, इसको मुझे चेंज करके दूसरा लेना है क्योंकि मैं वहाँ थी ना अतर्रा में, तो बच्चे बहुत इधर उधर फेंक देते थे, वो धीरे धीरे टूटता गया और अभी ऐसी कंडीशन हो गई उसी कि मुझे नीचे से रबड़ लगा करके जुगाड़ सेट करना पड़ रहा है, तो फाइनली नया ही लेना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी जब यहाँ से जाएंगे तो फिर मैं एक ऑर्डर कर दूंगी, ऑनलाइन ही मंगाऊंगी, बाहर तो मतलब जाना पॉसिबल ही नहीं है और ट्राईपॉड वगैरह वैसे भी सब ऑनलाइन ही मंगाते हैं। तो ठीक है, जब जाऊँगी तो मंगा लूँगी। और क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चलो काफ़ी आज थक भी गई हूँ, बातें तो आप लोग से रोज ही चलती रहेंगी। बाय द वे, मैंने सेम जैसे अतर्रा से मैं पहन के आई थी ना, यही कंगन और यही चूड़ियाँ पहन करके आई थी और आज मैंने ना सेम वही डाल लिया है क्योंकि ये ऐसी साड़ी है ना कि इसके साथ ये ग्रीन कलर की देखो चूड़ियाँ और ज़्यादा जम रही हैं, अच्छी लग रही थी, तो मन किया मेरा चलो मैं ग्रीन पहन लेती हूँ। वैसे भी अभी सावन चल ही रहा है, पूरी तरीके से गया नहीं है, तो हरी चूड़ियाँ पहनना तो बनता ही है। और देखो मेरी बिंदी, क्योंकि मैंने अभी फेस वॉश किया हुआ है ना तो इस वजह से लगी हुई है। और वैसे भी मैं रात में ना निकाल ही देती हूँ, मैं यहाँ भी लगाती हूँ ना लेकिन रात में निकाल देती हूँ, वरना फिर ना यहाँ वैसे ये जो इसका राल रहता है ना बहुत हार्ड होता है, तो यहाँ निशान टाइप का बनने लग जाता है, तो रात में थोड़ी सी ना फ्रेश एयर लग जाती है उस एरिया पे जहाँ पे बिंदी लगी रहती है। तो रात में मैं हमेशा यहाँ भी रहती हूँ लेकिन बिंदी मैं निकाल ही देती हूँ, या तो ड्रेसिंग में चिपका देती हूँ या तो फिर मेरा अच्छा ठिकाना हाथ वाला तो है ही, यहीं लगा लेती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ ये साड़ी को चेंज करूँगी और चूड़ियाँ वूड़ियाँ भी उतार दूँगी, इसके बाद फिर सो जाऊँगी। और साड़ी ना आज मैं पूरा दिन इसी को पहने रहेगी क्योंकि काफ़ी लाइट वेट है, ये देखो बिल्कुल लाइट वेट है, तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे चेंज करना चाहिए या फिर इसे बदलने की ज़रूरत है, इसलिए फिर मैं पहने ही रह गई। और चलो मेरी बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और पता है आजकल ना मैं बातें करती हूँ ना तो मेरा क्योंकि वर्ड बहुत निकलता है, कुछ भी होता है ना क्योंकि तो हो जाता है ना, कई चीज़ें पीछे छूट जाती हैं और कई चीज़ें नई चीज़ें पकड़ लेनी होती, जैसे अभी इस टाइम पे ना क्योंकि तो मुझे खुद मैं सोचती हूँ यार आजकल मैं इतना क्योंकि वर्ड क्यों यूज करती हूँ, ये देखो फिर क्यों आ गया। तो चलो ठीक है, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाए। मैं मिलूंगी आप लोग से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।